हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो मोस्टली हमारी किचन में होता ही है, बेसन। उससे बहुत सारी डिशेस बनकर रेडी भी हो जाती हैं, बट आज मैं जो लेकर आई हूँ वो है बेसन का हलवा। बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन का हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन लेंगे। ये मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, आधा कप चीनी, आधा कप देसी घी और करीब 200 ml दूध ले लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट। बेसन का हलवा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने पैन रख दिया है, पैन गरम हो गया है। अब हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा देसी घी रोक लेंगे और इस बेसन को स्लो फ्लेम पर हम भूनेंगे। स्टार्टिंग में स्लो फ्लेम पर इसे भूनिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर भी इसको भूनिए सुनहरा होने तक, और इसमें एक खुशबू आने लगेगी और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। ये लीजिए, बेसन भुन गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन, खुशबू भी अच्छी आने लगी है और बेसन ने घी भी छोड़ दिया है, तो ये इसकी पहचान है कि ये भुन गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और बेसन को भूनने में मुझे करीब 15 से 20 मिनट लगे हैं। अब हम इस चीनी को भी डाल के इसे करीब 4-5 मिनट चलाएंगे, भूनेंगे। ये लीजिए, करीब 4 से 5 मिनट चीनी के साथ बेसन को भून लिया है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। हम मिल्क ऐड करेंगे तो इसको चलाते रहिए फटाफट। इसमें थोड़ी सी गांठें सी बन जाएंगी, पर वो आप चलाते चलाते उसको ऐसे ख़त्म कर दीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगी, हलवा एकदम रेडी हो जाएगा। बस इसको चलाना है, रुकना नहीं है। देख, ये लीजिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। इसको चलाते हुए इसके लम्स, गांठें बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। करछी को ऐसे ही घुमाते हुए स्लो फ्लेम पर, इसको स्लो फ्लेम पर हम अभी और भूनेंगे। ये लीजिए, हलवा रेडी हो गया है। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और ये हरी इलायची। अब ये हमारा हलवा एकदम रेडी है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बेसन का हलवा एकदम रेडी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़ा सा पिस्ता। ये लीजिए, बेसन का हलवा एकदम रेडी है। ये फटाफट बन जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।